अब तक आपने 15 वाट का फास्ट चार्जिंग सुना होगा या फिर 50 वाट का सुना होगा, लेकिन अब 100 वाट के फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आ गई है। चीन के स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi, जिसको इंडिया में MI या Redmi के नाम से जाना जाता है, 100 वाट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की अनाउंस की है और उसका कहना है कि फ़ोन को 0 से 100% तक केवल 17 मिनट में चार्ज की जा सकती है। Xiaomi की इस नई फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सुपर चार्ज टर्बो कहा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में सुपर चार्ज टर्बो के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। प्रेजेंट में ओप्पो के सुपर वूक स्मार्टफोन के लिए मार्केट में अवेलेबल सबसे फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो डिवाइस को 10 वाट 5 एम्पियर पर 50 वाट की स्पीड से चार्ज करती है। वहीं अब Xiaomi 100 वाट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी लाने वाली है, पहली फ़ोन बन गई है। माना जाता है कि ओप्पो के सुपर वूक टेक्नोलॉजी को 3730 mAh की बैटरी को चार्ज करने में 35 मिनट लगता है। Xiaomi ने दावा किया है कि सुपर चार्ज टर्बो टेक्नोलॉजी केवल 17 मिनट में 4000 mAh की बैटरी चार्ज कर सकती है। सुपर चार्ज टर्बो टेक्नोलॉजी के बारे में कंपनी की तरफ से ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं कराई गई है। इस बीच Xiaomi की तरफ से अपनी लेटेस्ट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का एक वीडियो शेयर किया गया है। उन्होंने पोस्ट में कहा है कि कंपनी के इंजीनियरों ने इस टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। इस वीडियो में Xiaomi ने ओप्पो की 50 वाट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ 100 वाट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन की है, जहां Xiaomi चार्जर फ़ोन को केवल 17 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज करता है, वहीं ओप्पो चार्जर उसी समय लगभग 65% चार्ज करता है। तो अब उम्मीद है कि अगले Redmi स्मार्टफोन Xiaomi की 100 वाट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आ सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें।